Hello kids and welcome to your English class. We are going to start a very beautiful journey with our book Literary Journeys, an English Reader for Class 7 by Brain Root Publications. So today children, we are about to begin with chapter number 2. So the title of the chapter is Happy Prince. It's a very, very interesting story about a prince who was always remained happy, जो हमेशा खुश रहता था. पर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वो बहुत दुखी हो गया. तो आइए चलते हैं. Let's start the story of Happy Prince. Before we proceed to the actual chapter, let's have a quick warm-up exercise. Let's see what are they saying. A fable is a short story that usually has animals and plants or any other non-living thing as character. So, fable. Fable का मतलब होता है एक छोटी सी कहानी या प्रचलित कथा जिसमें हम animals और non-living things यानी objects को main character की तरह treat करते हैं, यानी मुख्य किरदार के रूप में treat करते हैं. ठीक है? It usually conveys a message or a moral. And these kind of fables usually teach us some or the other lesson. यह हमें कोई ना कोई नीति ज्ञान या शिक्षा देते हैं. You must all have read the famous fables, the hare and the tortoise, the sour grapes and the goose that laid the golden eggs. So, certain stories which are very much popular I have been mentioned over here. ऐसी कुछ कहानियाँ जो हम बचपन से सभी ने पढ़ी हुई है, जैसे खरगोश और टॉर्टोइस की कहानी, Hare and the Tortoise, the goose which laid golden eggs, है ना, जो सोने के अंडे देती थी. तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमने बचपन में पढ़ी हैं. ठीक है? और ये सभी कहानियाँ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. The fable Happy Prince is a famous story by Oscar Wilde. Who is Oscar Wilde? Oscar Wilde is the writer. उन्होंने इस कहानी को लिखा है. That talks about the contentment after helping others and being kind. तो Happy Prince हमें क्या शिक्षा देता है? Happy Prince कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है. दूसरों की मदद करने से उनकी तो मदद हम कर ही रहे हैं, पर साथ ही हम खुद भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं. Let us create a map for kindness, fill the boxes. When are people kind? लोग kind कब होते हैं? When they have a good heart. जब उनका दिल बहुत बड़ा होता है या वो बहुत अच्छे होते हैं. When they are all very happy. Okay. Now name some kind people. कुछ kind लोगों का नाम लिखिए. आप अपने घर में आसपास आपने कई लोगों को देखा है जो बहुत काइंड है, जो बहुत केयरिंग है, जो लोगों की देखभाल करते हैं, कभी भी किसी की जरूरत में मदद करते हैं. ये सभी लोग काइंड लोगों में आएंगे. तो आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं. ठीक है? हाउ आर पीपल काइंड? और लोग काइंडनेस कैसे शो करते हैं? किस तरीके से लोगों ने काइंडनेस शो की है? इन जिन लोगों का आप नाम लिखेंगे यहाँ पे, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिससे आपको लगता है कि वो काइंड है? तो आपको ये माइंड मैप फिल करना है. ऑलराइट? सो दिस इज टू बी डन बाय यू ओन. क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. इन अ बर्सलिंग सिटी द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड टॉल गिल्डेड in gold with the eyes of blue jewels and a red gem at his waist. To the townspeople, he represented beauty and happiness. Mothers would urge their children to be like him and sad men would find comfort in his presence. So, एक शहर है खूबसूरत सा, जिसके बीचों बीच कौन है? Happy Prince का एक statue लगा हुआ है, यानी Happy Prince की एक मूर्ति लगी हुई है. ये जो हैप्पी प्रिंस है, जब ये जिंदा था तो बहुत ज़्यादा अच्छा था. वो इतना खुश रहता था कि जो दूसरे लोग हैं, जो मदर्स थी, वो हमेशा अपने बच्चों को बोलती थी कि देखो तुम्हें भी हैप्पी प्रिंस के जैसा ही बनना है, उसके गुण अपनाने हैं, उसकी तरह अच्छा इंसान बनना है. और जो दुखी लोग होते थे,
वो हैप्पी प्रिंस जब भी उनके आसपास होता था वो सब अपना दुख भूलकर खुश हो जाते थे। वन कोल्ड नाइट अ स्वालो फ्लू ओवर द सिटी। द अदर स्वालोज हैड गॉन टू इजिप्ट फॉर विंटर। अ स्मॉल स्वालो लेफ्ट बिहाइंड बाय हिज फ्लॉक सॉट अ प्लेस टू रेस्ट। He chose the statue but was surprised when drops of water fell on him. Looking up, he saw tears streaming from the happy prince's eyes. So, एक रात की बात है कि उस शहर में जहां इस happy prince का statue था वहां एक swallow उड़ता हुआ आया। अब वो दिन भर शहर में चारों तरफ घूमने लगा और रात को थक हार के इस स्टैचू के पास आकर बैठ गया। स्वालो के जो दूसरे फ्रेंड्स थे, बाकी जो जितने भी स्वालोस थे, वो सब कहाँ जा रहे थे? वो सब ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके थे। ठीक है, तो इजिप्ट में क्यों गए थे? क्योंकि व्हाट हैपेंस, बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्डर प्लेसेस टू वार्मर प्लेसेस, है ना। जो बर्ड्स होती हैं वो ठंड की जगह से बचने के लिए ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे कम ठंड हो या फिर गर्मी का सीजन हो। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, तो बाकी जो स्वालो थे वो लोग सब इजिप्ट चले गए थे क्योंकि विंटर का सीजन था, ठंड पड़नी शुरू हो गई थी, तो ठंड से बचने के लिए वो सब चले गए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्वालो था ये पीछे छूट गया, तो ये अब धीरे धीरे इजिप्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन रास्ते में वो थक गया तो वो इस शहर में कुछ देर रेस्ट करने के लिए रुका। अब जब वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास रेस्ट कर रहा था अचानक उस पे कुछ बूंदे गिरी और वो चौंक गया कि बारिश नहीं है, आसमान में बादल भी नहीं है, फिर ये बारिश की बूंदे कहाँ से आ रही हैं? When the swallow looked up, it saw that actually those droplets were teardrop streaming from the statue of happy prince. यानी जब स्वालो ने ध्यान से देखा तब उसे पता चला कि एक्चुअली वो जो स्टैचू है वो रो रहा है और उसकी आंखों से जो है आंसू झर झर कर बह रहे हैं। Now when he saw the tears streaming from the happy prince's eyes, revealing a deep sorrow hidden beneath his golden exterior. Moved by this sight, the swallow felt a pang of sympathy. Who are you? He asked. तो जब स्वालो ने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को रोते हुए देखा तो वो चौंक गया, उसको भी दुख हुआ। ठीक है, किसी को रोते हुए देख के आपको दुख होता है ना, तो इसी तरह स्वालो को भी दुख हुआ। उसने पूछ लिया कि कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? I am the happy prince, replied the statue, its voice filled with sadness. तो स्वालो के पूछते ही हैप्पी प्रिंस ने रिप्लाई किया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। ठीक है, मुझे सब लोग हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते हैं। Then why are you crying? I am getting wet from your tears, said the swallow. अब स्वालो ने बोला, अगर तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है फिर तुम दुखी क्यों हो, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे आंसुओं ने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया है। When I was alive, the prince said, I had a heart like other man, but I knew nothing of sorrow. I lived in a palace surrounded by beauty and joy, and never saw beyond the palace. So the prince said, कि जब मैं जिंदा था तो मेरे पास भी दूसरे लोगों की तरह ही दिल था और मैं एक बड़े आलिशान राजमहल में रहता था जहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और मुझे कभी कोई दुख मेरे आसपास भी नहीं भटका। लेकिन अब जो है हर तरफ मुझे दुख दिखाई देता है, तब मुझे दुख नहीं पता था लेकिन आज मुझे हर चीज़ दुख में दिखाई देती है। I was called the happy prince because I was content with my little world. Now as a statue I see all the suffering in the city. My heart, though made of lead, still feels pain, and that's why I weep. तो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू ने स्वालो को बोला कि मैं तब तो दुख नहीं जानता था लेकिन मेरे मरने के बाद जब मेरा स्टैचू शहर के बीचों बीच लगा दिया गया है,
अब यहाँ से खड़े होके मैं पूरा शहर देख सकता हूँ और मुझे कई जगहों पे दुख और दर्द दिखाई देता है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ और मेरे आंसू बहने लगते हैं। द स्वॉलो फेल्ट सॉरी फॉर द प्रिंस। यू आर नॉट ट्रूली हैप्पी, यू आर ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड, ही सेड। अब फाइनली स्वॉलो ने जब स्टैचू की बातें सुनी, उसने कहा कि एक्चुअल में आप हैप्पी नहीं हो, आप खुश नहीं हो, आप सिर्फ बाहर से गोल्डन गोल्ड में मुरे हुए, यानी सोने में आपको सजाया गया है, लेकिन अंदर ही अंदर, मन ही मन, आप बहुत ज्यादा दुखी हो और परेशान हो। फार फ्रॉम हियर सेड द प्रिंस, देयर इज अ पुअर हाउस, थ्रू एन ओपन विंडो आई कैन सी अ वुमन वर्किंग ऑन अ ड्रेस फॉर अ पैलेस लेडी। Her face is thin and her hands are rough. Her little boy lies in the bed, crying because she can only give him water from the river. So the prince started telling his problem. He said कि मैं दूर से देख सकता हूँ कि वहाँ कोने में एक बहुत ही छोटा सा घर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। उस घर की खिड़की से अगर झांके तो हमें एक पुअर लेडी, यानी एक गरीब लेडी दिखेगी जो कि एक ड्रेस बना रही है। और ये ड्रेस वो किसके लिए बना रही है? ये ड्रेस वो महल में रहने वाली किसी लेडी के लिए बना रही है। उस पुअर लेडी का जो बेटा है वो बीमार है, वो बुखार से तड़प रहा है और पास ही लेटा हुआ है, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत गरीब है और लाचार है। उसके पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बच्चे ने खाना भी नहीं खाया है, उसे भूख लगी है, लेकिन वो महिला सिर्फ उसको नदी का पानी ही पिला पा रही है। लिटिल बर्ड विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर, आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हेयर। द स्वॉलो हेजिटेटेड, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, ही सेड। Please stay with me for one night, pleaded the prince. The boy is suffering and his mother is so unhappy. तो जो स्टैचू था, जो प्रिंस था, उसने स्वॉलो से निवेदन करते हुए कहा, स्वॉलो क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा ये जो रेड ज्वेल है ये लेके उसको दे दो, उस महिला के काम में आ जाएगा ये। वो महिला इसे बेच के पैसे लेके आएगी और इससे वो अपने बेटे और अपना ध्यान रख सकती है। स्वॉलो थोड़ा सा हिचकिचाया, उसने बोला, मुझे तो इजिप्ट जाना है, मेरे दोस्त वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं यहाँ रुकूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा, मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। तो प्रिंस ने इमीडिएटली बोला कि प्लीज़ स्वॉलो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है, तुम एक रात के लिए मेरे साथ रुक जाओ, मेरा ये काम कर दो, फिर चले जाना। Moved by the prince's plea, the swallow agreed to stay for one night. I will take the jewel tomorrow, he promised. Thank you, little bird, said the prince. अब स्टैचू के रूप में जो प्रिंस था, उसकी विनती सुन के, उसका दुख सुन के स्वॉलो का भी दिल पिघल गया। उसने बोला, ठीक है, मैं एक दिन के लिए रुक जाता हूँ, मैं कल ये ज्वेल, ये जो पत्थर है, ये जाकर उसको दे आऊंगा लेडी को, और फिर वो लेडी इसे इस्तेमाल कर सकती है। द स्वॉलो टुक द रेड ज्वेल फ्रॉम द प्रिंस, फ्लू ओवर द पैलेस एंड रीच द पुअर हाउस। देयर ही प्लेस्ड द ज्वेल ऑन द टेबल एंड फैंड द सिक बॉय विद हिज विंग्स, हु देन स्माइल्ड एंड फेल अस्लीप पीसफुली। रिटर्निंग टू द हैप्पी प्रिंस, द स्वॉलो रिमार्क्ड, इट्स स्ट्रेंज, दो इट्स कोल्ड, आई फील वार्म इनसाइड। तो स्वॉलो ने जैसा की प्रॉमिस किया था, वादा किया था, बिल्कुल उसी तरह वो रेड कलर का ज्वेल लिया और वो बेशकीमती पत्थर जाकर उड़ते हुए उस घर में पहुंचा और टेबल पर रख दिया। और फिर वो जो बीमार बच्चा था उसको अपने पंखों से हवा भी किया और इसी वजह से उस बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम आया और फिर वो फाइनली आराम से सो गया। अब जब स्वॉलो ने अपना सारा काम जो प्रिंस ने उसे बोला था वो कर लिया, उसके बाद वो वापस लौट आया और उसने आकर स्टैचू को बताया कि मैंने सारा काम कर दिया है, बाहर इतनी ठंड है
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और हल्की हल्की गर्माहट भी महसूस हो रही है। That's because you have done a good deed, said the prince. The swallow rested at the prince's feet. So finally, जो प्रिंस था उसने बोला कि तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम्हें वार्म्थ की फीलिंग आ रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। जब भी हम अच्छा काम करते हैं हमारा मन खुश हो जाता है और हमें एक अच्छी सी वार्म फीलिंग आती है। The next morning the swallow went to the river for a bath. A man saw him and commented, "A swallow in winter, how unusual." The swallow decided to travel to Egypt that night. When night fell, the swallow returned to the happy prince. "Can I do anything for you in Egypt?" he asked. तो अगले दिन सुबह swallow जो है river side में नहाने गया। अब वहां एक आदमी ने जब उसको देखा तो उसने बोला, अरे इतनी ठंड के मौसम में स्वालो, ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। स्वालो ने ये बात सुनी और उसे एकदम से याद आ गया कि उसके दोस्त उसके लिए इजिप्ट में वेट कर रहे हैं। वो वहां से जल्दी से स्टैचू के पास लौटा और रात को वो स्टैचू के पास गया और उसने कहा, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्या आपको इजिप्ट में कोई काम है तो मैं वो कर सकता हूँ। Please stay with me one more night, said the prince. Across the city, there is a young writer in a small room at the top of a house. He is weak and cold, trying to finish his story. तो प्रिंस ने क्या बोला, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसने स्वालो से बोला कि प्यारी स्वालो एक दिन और मेरे साथ रुक जाओ, मेरा एक और काम कर दो। वहाँ दूर एक घर पर एक राइटर, एक लेखक जो है कहानियां लिख रहा है और वो लिखते लिखते थक गया है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है और काफी ठंड है इसीलिए वो ठंड में ठिठुर रहा है, कांप रहा है, उसमें एनर्जी नहीं है कि वो अपना काम पूरा कर सके। देयर इज नो फायर एंड लिटिल फूड, टेक वन ऑफ माई आईज टू हिम, इट इज अ ब्यूटिफुल ब्लू ज्वेल फ्रॉम इंडिया, he can sell it to buy wood and food. So finally what happened, usne bola ki ek kaam karo swallow, use khane ki zarurat hai, uski conditions achhi nahi hai, uski halaat theek nahi hai, to tum mera ek aankh mein se ye beshkeemti neela patthar leke usko de aao, use iski bahut zyada zarurat hai, ye patthar dur india se mangwaya gaya tha. The swallow was distressed. I cannot take your eyes, he said. You will be blind. Please do it, the prince urged. अब swallow ने जब prince की बातें सुनी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसने बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं आपकी एक आंख में से पत्थर निकाल लूंगा then you will become blind. आप अंधे हो जाओगे और ठीक से देख नहीं पाओगे। तो prince ने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, मैं विनती कर रहा हूँ, मेरी खुशी इसी में है कि मेरा ये ज्वेल जो है ले जाकर उसको दे दो, उसकी मदद हो जाएगी। The swallow hesitantly took one of the prince's eyes and flew to the writer's room. The writer, overjoyed upon finding the blue jewel, exclaimed, "Now I can finish my story." The next day the swallow returned to the prince. Now next what the swallow did, the swallow did exactly what the prince had said. उसने जैसे जैसे स्टैचू ने बोला था वैसा वैसा ही किया, उसने वो पत्थर निकाला और निकाल के जाकर उस राइटर को दे दिया। अब जब उस राइटर को वो पत्थर मिला नेक्स्ट डे तो वो बहुत खुश हो गया और वो सोचने लगा कि अब मेरे पास खाना भी होगा और मेरी जरूरत की चीजें भी होंगी और मैं अपना काम जल्दी जल्दी पूरा भी कर लूंगा। अगले दिन स्वालो ने सोचा कि अब मेरा काम हो चुका है, अब मैं इजिप्ट जा सकता हूँ। आई मस्ट से गुड बॉय, द स्वालो सेड। लिटिल बर्ड स्टे विद मी वन मोर नाइट, द प्रिंस प्लीडेड। फार अक्रॉस द सिटी अ यंग गर्ल इन अ स्क्वायर हैज ड्रॉप्ड हर एग्स। शी हैज नो मनी टू टेक होम एंड हर फादर विल बी एंग्री। प्लीज टेक माई अदर आई टू हर। तो इस बार प्रिंस ने फिर से बोला कि प्यारे स्वालो एक और रात रुक जाओ, मेरा एक और काम कर दो,
दूर वहां मैं देख सकता हूँ एक छोटी सी बच्ची है जो कि एग सेल कर रही थी, यानी अंडे बेचने के लिए लेके जा रही थी, और उसके सारे अंडे गिरकर टूट गए हैं और बिखर गए हैं। अब वो बहुत डरी हुई है, बहुत दुखी है। तो अगर वो अपने पापा की बात नहीं मानेगी और पैसे नहीं लेके जाएगी घर, तो उसके जो पापा हैं उसको बहुत ज्यादा डांटेंगे और उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। स्वॉलो, तुम एक काम करो, तुम मेरा दूसरा पत्थर जो मेरी दूसरी आंख में लगा हुआ है वो भी ले जाकर उस लड़की को दे दो, उसकी मदद हो जाएगी। द स्वॉलो प्रोटेस्टेड, विदाउट योर आईज यू विल बी ब्लाइंड, डू इट प्लीज, द प्रिंस इंसिस्टेड। द स्वॉलो टुक आउट द प्रिंसेस रिमेनिंग आईज एंड फ्लू डाउन टू द गर्ल। ही प्लेस्ड द ज्वेल इन हर हैंड। What a beautiful piece of glass, she exclaimed, happy, she ran home smiling. So finally क्या हुआ, उस स्वॉलो ने क्या किया, उस स्वॉलो ने पहले तो प्रिंस को बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं बची हुई आँख में से भी पत्थर निकाल दूंगा तो तुम कम्प्लीटली अंधे हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बट जब बार बार स्टैचू ने बोला कि नहीं, जो मैं कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, प्लीज प्लीज प्लीज, तब स्वॉलो ने उसकी बात मान ली और वो जो है वो सेकेंड पत्थर लेके जाकर उस लड़की के हाथ पे रखकर चलाया। अब जब उस लड़की को वो बेशकीमती चमकता हुआ पत्थर मिला, वो खुश हो गई। शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, शी हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल एंड प्राइस कॉस्टली स्टोन। So she was overjoyed. वो तो इतनी खुश हो गई, वो खुश होकर चीखती हुई अपने घर चली गई। Returning to the prince, the swallow said, "You can no longer see. I will stay with you." No, the prince said, "You must go to Egypt. You have done much already." I will stay, insisted the swallow, and he slept at the prince's feet at the night. So finally, क्या हुआ? अब जब स्वॉलो अपना काम करके वापस आया, तब उसने बोला कि प्रिंस अब तुम बिल्कुल नहीं देख सकते हो, तुम अंधे हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन प्रिंस ने बोला, नहीं नहीं स्वॉलो, तुम्हें मैंने जो जो काम दिए, तुमने बहुत ही प्यार से वो सारे काम करे, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब यहाँ मत रुको, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम आराम से जाओ अपने दोस्तों के पास जो कि इजिप्ट में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब जो स्वॉलो है उसने बोला कि नहीं, मैं यही रुकूंगा तुम्हारे साथ, और वो वहीं रुक गया। द नेक्स्ट डे द स्वॉलो रिमेंड विद द प्रिंस रिकाउंटिंग टेल्स ऑफ डिस्टेंट लैंड। यू स्पीक ऑफ वंडर्स, सेड द प्रिंस, बट द सफरिंग ऑफ पीपल इज इवन मोर रिमार्केबल। फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल मी वॉट यू सी। तो अगले दिन स्वॉलो ने प्रिंस के साथ बातचीत करनी शुरू की और सारे किस्से और कहानियां सुनाए। जहां जहां स्वॉलो इससे पहले गया था, उसने सारे शहरों और सारी जगह की बातें प्रिंस को सुनाई। अब प्रिंस बहुत खुश हो गया, उसने कहा, स्वॉलो तुम बहुत प्यारी बातें करते हो, क्यों ना तुम इस पूरे शहर का चक्कर लगा के मुझे कहाँ कहाँ शहर में क्या क्या हो रहा है ये बताओ। तो जैसा कि प्रिंस ने बोला, स्वॉलो ने बिल्कुल वैसा ही किया। The swallow flew over the city and saw the rich feasting in their garden homes while the poor huddled in the streets. In dark alleys, hungry children with sad eyes cried for help. Under a bridge, two young boys shivered together for warmth. अब swallow जब शहर के चारों कोनों में गया, तब उसने क्या देखा कि जो अमीर इंसान थे, उनके पास बहुत पैसा था, वो अपने घरों में, अपने गार्डन्स में बैठ के एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और जो गरीब लोग थे वो लोग रास्ते में भीख मांग रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, बच्चे ठंड में ठिठुर रहे थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो एक तरफ जहां उसने बहुत ज़्यादा समृद्धि देखी, वहीं दूसरी तरफ उसने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी। The swallow returned and reported, "I see so much suffering." अब स्वॉलो ने वापस आकर प्रिंस को बोला कि मैं पूरा शहर घुमाया और मुझे हर जगह इतनी सारी वेदना दिखी, इतने दुखी लोग दिखे, लोग सफर कर रहे हैं, परेशान हैं।
Then said the prince, take off my gold piece by piece and give it to the poor. The swallow obeyed, stripping the gold leaf from the statue until the happy prince looked grey and dull. So, जब स्वालो की बातों से प्रिंस को पता चला कि शहर में इतने लोग दुखी हैं, तब प्रिंस ने बोला, My dear swallow, मेरी बॉडी पे जितना भी गोल्ड लीफ लगा हुआ है, सोने की परत है, इसे धीरे धीरे उतार के इन सभी गरीब लोगों में बांट दो, उनकी मदद हो जाएगी। जैसा कि प्रिंस ने बोला, स्वालो ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने स्लोली स्लोली प्रिंस की बॉडी पे से सारा सोना थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में निकाला और फिर उसे शहर भर में गरीबों में बांट दिया। He distributed the gold to the needy, brightening the children's faces. We have bread now, they cheered. तो स्वालो ने क्या किया, जरूरतमंद जितने भी लोग थे उन सब में वो गोल्ड बांट दिया। और जब लोगों को वो गोल्ड मिला तब वो खुश हो गए। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खुशी से झूम उठे, बोलने लगे, अब हमें खाने की कमी नहीं होगी, अब हम भी भरपेट खाना खा सकते हैं। As the winter deepened, snow and ice covered the city. The swallow grew colder but stayed with the prince, his love unwavering. और जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी, स्वालो वहीं पे प्रिंस के साथ रुका हुआ था, ठीक है? और ठंड की वजह से धीरे 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 चारों तरफ क्या हो गया, बर्फ की एक परत जम गई, यानी पूरा शहर जो है बर्फ से घिर गया। Goodbye, dear prince, said the swallow weakly. Can I kiss you? So finally, एक दिन उसने बोला कि क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? अब मैं goodbye बोलना चाहता हूँ, अब मैं थक चुका हूँ। I am glad you said the prince. Kiss me for I love you. I am not going to Egypt, replied the swallow. I am going to the house of death. He kissed the prince and fell dead at his feet. The statue's heart broke with a crack. So, जब स्वालो ने जाने की बात कही, तब प्रिंस को लगा कि शायद स्वालो अपने दोस्तों से मिलने इजिप्ट जा रहा है। तो उन्होंने कहा, गुड बाय डियर स्वालो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए श्योरली यू कैन किस मी। तब स्वालो बोला, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, आई एम अबाउट टू डाई। और इस तरह से स्वालो ने प्रिंस को किस किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जो स्वालो है, जैसे ही उसकी आखिरी सांस निकली, मतलब वो मर गया, प्रिंस का जो हार्ट था स्टैचू के अंदर वो भी टूट गया। The next morning, an important man and his friends looked up at the statue. The happy prince no longer looks magnificent, said the man. The red jewel is gone, the eyes are missing, and the gold has faded. He looks like a beggar. So, अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन उस शहर में कुछ important लोग round लगा रहे थे। उन्होंने देखा कि स्टैचू जो पहले बहुत खूबसूरत था, चमकीला सा था, दूर से नजर आता था, आज वही स्टैचू बहुत ज्यादा डल है। उसने आदमी ने कहा, ये स्टैचू अब इतना सुंदर नहीं है, देखो जरा स्टैचू कितना डल हो गया है, अब ये गोल्डन ग्लिटर की तरह चमकता नहीं है, इसका जो रेड कलर का ज्वेल है वो भी चोरी हो चुका है, इसकी जो आंखें हैं जिसमें बेशकीमती पत्थर लगे थे वो भी अब नहीं रहे, वो भी खो चुके हैं, अब ये स्टैचू भिखारी लग रहा है, भिखारी जैसा लग रहा है, क्यों ना हम इसे हटा दें। Yes, agreed the friend. And look, said the officer, there's a dead bird at his feet. We should issue a decree against birds dying here. So finally, उसके फ्रेंड ने बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्टैचू बहुत ही बुरा लग रहा है, और देखो जरा स्टैचू के पास एक पक्षी भी मरा हुआ है, हमें ऐसा ऑर्डर निकाल देना चाहिए कि यहाँ ऐसी कोई भी पक्षी ना मरे। ओके, द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज टेकन डाउन एंड मेल्टेड इन अ फर्नेस, द ब्रोकन हार्ट वॉज डिस्कार्डेड विद द डेड बर्ड। सो स्टैचू फाइनली जो लगा हुआ था उसको उतारा गया और फर्नेस यानी कि भट्टी में उसको जला दिया गया।
लेकिन बर्ड और वो जो लेड हार्ट था वो तो जल नहीं सकता, इसीलिए उसे अलग से फेंक दिया गया. गॉड स्पोक टू हिज एंजल्स, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी. द एंजल्स ब्रॉट द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड. यस सेड गॉड, यू हैव चोजन वाइसली. दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर इन माई गार्डन एंड द हैप्पी प्रिंस शैल स्टैंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड. सो फाइनली भगवान ने एक दिन स्वर्ग में बैठ के अपने दूत यानी एंजल से बोला कि जाओ पृथ्वी का चक्कर लगाओ और सबसे दो बहुमूल्य और बेशकीमती चीज मेरे लिए लेके आओ. जो एंजल्स थे उन्होंने गॉड का ऑर्डर फॉलो करते हुए चक्कर लगाया और जब वापस लौटे तब वो दो चीजें लेके आए. एक तो वो जो लेड हार्ट था प्रिंस का वो, और एक वो स्वॉलो जो बर्ड थी वो. तब भगवान ने बोला बिल्कुल सही चीज का चॉइस किया है तुमने, बिल्कुल ठीक चुना है. ये दोनों चीजें ही सबसे ज्यादा कीमती हैं. ये जो बर्ड है ये मेरे गार्डन में हमेशा गाती रहेगी, और ये जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरे गोल्डन सिटी में, स्वर्ग में जो मेरी सुनहरी नगरी है वहां पर हमेशा वास करेगा. ऑलराइट, सो विद दिस वी फिनिश द चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपरली. बहुत ही खूबसूरत कहानी जो हमें ये शिक्षा देती है कि हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों. राइट, सो नाउ लेट्स गो थ्रू द वर्ड मीनिंग. जल्दी से एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं. सोरो मीन्स सैडनेस यानी दुख. मैग्निफिशेंट मीन्स गॉर्जियस, कोई चीज जो बहुत ही सुंदर हो, आलिशान. अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन, जो आमतौर पे ना देखी जा सके. डिस्ट्री मीन्स अ लीगल बाइंडिंग कमांड, यानी कोई लीगल कमांड या ऑर्डर. ओवरजॉयड मीन्स डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश हो जाना. फर्नेस अ हीटिंग सिस्टम, फर्नेस मतलब भट्टी जिसमें चीजों को पिघलाया जाता है डाल के. स्ट्रिप, स्ट्रिप मीन्स किसी चीज में से कोई चीज निकाल देना या ले जाना. डिस्कार्ड मीन्स थ्रोइंग अवे, फेंक देना. अनवीवरिंग मीन्स कंटिन्यूइंग इन अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी वे, यानी कोई काम बहुत ही तरीके से करना. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द एक्सरसाइजेस. अब टाइम है कि हम एक्सरसाइजेस करेंगे. सो लेट्स डू दिस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैव बीन गिवन. सो व्हाट वी विल डू, वी विल बी टिकिंग द करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस गिल्डेड विद. सिल्वर, ब्रोंज, गोल्ड या मार्बल. सोने की थी ना स्टैचू, सो गोल्ड, वो बिल्कुल गोल्ड से बना हुआ था. ऑलराइट, सेकेंड वन, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंसेस आईज रिवील अबाउट हिम. ही वॉज एंग्री, ही वॉज जॉयफुल, ही वॉज डीपली सॉरोफुल, ही वॉज इनडिफरेंट. हैप्पी प्रिंस की जब आंसू भरी आंखें देखी तो उससे क्या पता चलता है कि वो दुखी था. दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ही वॉज डीपली सॉरोफुल, वो बहुत ज्यादा दुखी था. थर्ड वन, व्हाई डिड द प्रिंस आस्क द स्वॉलो टू टेक हिज अदर आई टू द गर्ल इन द स्क्वायर. बिकॉज द गर्ल वॉज सिक, बिकॉज द गर्ल वॉज सैड, बिकॉज द गर्ल ड्रॉप्ड हर एग्स एंड हैड नो मनी टू टेक होम, बिकॉज द गर्ल वॉज लॉस्ट. सो तीसरा ऑप्शन, द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. वाई, बिकॉज उस लड़की को अंडे बेचने जाना था और उसके सारे जो एग्स हैं, सारे जो अंडे हैं वो टूट कर बिखर गए थे और उसके पास एक भी पैसा नहीं था जिसे लेके वो घर जा सके. नाउ लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन, आगे बढ़ते हैं. द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वॉज द स्वॉलोज रिएक्शन आफ्टर द प्रिंस सेकेंड आई. सो प्रिंस की दूसरी आंख लेने के बाद स्वॉलो का क्या रिएक्शन था. द स्वॉलो फ्लू टू इजिप्ट, द स्वॉलो स्टेड विद द प्रिंस, द स्वॉलो रिफ्यूज्ड टू हेल्प द प्रिंस एंड द स्वॉलो वेंट टू फाइंड फूड. सो द राइट आंसर इज शी स्टेड विद द प्रिंस, वो प्रिंस के साथ वहीं पे रुक गया. सो चिल्ड्रन नाउ इट्स टाइम टू डू द फिल इन द ब्लैंक्स. लेट्स डू दिस वन बाय वन. द स्टैचू हैड टू ब्राइट ज्वेल्स.
Okay, the statue had two bright jewels. Second one, the swallow was flying to Egypt. Clear? Then next one, the eyes of the happy prince were filled with tears. आँखों में क्या थे? आंसू थे ना? So eyes of the happy prince were filled with tears. Fourth one, the ruby of the sword was given to. जो ruby था red color का, वो किसको दिया था? कहाँ गया था वो ruby? वो ruby दिया गया था उस poor lady को. To the poor lady. ठीक है. Fifth one, the swallow felt dash because it had done a good deed. तो swallow को कैसा लगा जब उसने अच्छा काम किया? It felt warm. The swallow felt warm because it had done a good deed. So I hope you have noted down all the answers, children. So now we are done with this chapter. I hope you have understood the chapter properly and you have also completed your work in the notebook. So, I will meet you again with a new chapter, a new video where we would learn something interesting. So, stay tuned for the new video. Bye-bye and take care.